नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अरबी के पत्तों के पतोड़े कैसे बनाए जाते हैं। कहीं कहीं पर इनको पतरोड़े या अरबी के पत्तों के पकौड़े भी कहा जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके वहाँ पर इन्हें क्या कहा जाता है। अरबी के पत्तों को हम ले जाएंगे खेत से तोड़कर, और उसके बाद बिल्कुल साफ पानी से इनको अच्छे से धोएंगे, उसके बाद ही इनको फिर बनाना शुरू करेंगे। और ये पेड़ दोस्तों जो आप देख रहे हैं, ये है लौंग मसाले का पौधा, और इसको हम इसके बैटर में जब डालते हैं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो देखिए दोस्तों, हरी मिर्चें भी हमारे आंगन में लगी हुई थी, तो हम यहाँ से फ्रेश हरी मिर्चें ले जाएंगे और उसमें इन्हीं को ही डालेंगे। तो देखिए, अब हम शुरू कर रहे हैं इनको बनाना। बैटर इन्होंने पहले ही बना दिया था, मेरे मम्मी ये पतोड़े बना रहे थे तो इन्होंने बैटर पहले से बना दिया था इसका। तो बैटर में दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इन्होंने इसमें डाला था। तो इन्होंने इसमें डाला था बेसन, और बेसन के साथ में इन्होंने इसमें थोड़ा प्याज और लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें जो हम लेकर गए थे वो, और साथ ही साथ इसमें लौंग मसाला भी ऐड किया था और उसका बैटर तैयार किया था थोड़ा उसमें पानी डाल के। और आप देख ही रहे होंगे कि कैसा ये बना है। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि आपको अरबी के पत्ते ले लेने हैं। अगर तो बहुत बड़े पत्ते हैं तो 3 या 4 में भी काम हो जाएगा, और अगर छोटे छोटे पत्ते हैं तो आप 5-6 या जितने भी आप ले सकते हैं छोटे हों अगर तो। और ये बड़े पत्ते हैं तो हमने 3 या 4 पत्ते ही लिए हैं। तो ऐसे हम इसको इसका बैटर लगा रहे हैं, और इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। अब देखिए आप कैसे इसको फोल्ड किया जाता है। इसके बाहर भी हम थोड़ा सा इसका लेप लगाएंगे इसके बैटर का, और फिर धीरे धीरे करके इसको फोल्ड करेंगे। और इससे पहले हमने जो इसके डंठल होते हैं दोस्तों, जो इसके पीछे पत्ते के पिछली तरफ लगे रहते हैं, उनको काट लिया था, और फिर ही उसके बाद इस पर इनका जो इसका जो बैटर हमने बनाया था वो उसके बाद हमने इस पर लगाया। और उसके बाद हम इसको देखिए दोस्तों, अब ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे इसको फोल्ड किया जाता है। और देखिए दोस्तों, अब आप देखेंगे कि कैसे कैसे इसको फोल्ड कर रहे हैं। ऐसे ही सारे हमने लगभग जितने भी हम पतेड़ बनाएंगे उन सभी को हमें इसी तरह से ही फोल्ड करना है, और इसी तरह से ही उस इन पे बैटर को लगाना है। तो कुछ तो हमने बना भी लिए हैं, लगभग 4 हमने बना लिए हैं, ये 5वां है। अरबी के पत्ते स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, जैसे कि आँखों के लिए बहुत अच्छे ये माने जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं, और हमारा हृदय जो होता है उसको स्वस्थ रखने के लिए भी लाभकारी होते हैं, और एनीमिया में भी बहुत लाभदायक होते हैं, और जो उच्च रक्तचाप होता है उसमें भी मददगार साबित होते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि इसके बाद हम इन्हें, ये सिड्डू मेकर है, अब इसमें हम इनको डालेंगे, यानी कि इसको सबसे पहले हम ग्रीस करेंगे तेल से। सबसे पहले इसमें हम पानी डालेंगे उबालने के लिए, ये हम पानी डाल रहे हैं। उसके बाद ऊपर वाला जो इसका बर्तन है उसको रख देंगे, उसके बाद इसको तेल से ग्रीस कर लेंगे, और अब हम धीरे धीरे इसमें जितने भी इसमें आ पाएंगे, 2 या 3, तो 2 और 3 आ गए इसमें, तो ऐसे हम इनको रख देंगे, 3-3 आ गए। अब हम इसको बस बंद कर देंगे, अब हमने ढक्कन लगा दिया है दोस्तों। तो अब हम इसका ढक्कन जो है वो अब हम देखेंगे 10 से 15 मिनट के बीच ये पक जाएंगे, इतना ही समय इनको पकने में लगता है दोस्तों। तो अभी हमने जो गैस की फ्लेम है वो फुल रखी हुई है, तो फुल फ्लेम पे आप इनको पका सकते हैं। और आप चाहें तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ये बर्तन नहीं है तो आप इसको कुकर में भी पका सकते हैं, और कढ़ाई में भी कई लोग पका लेते हैं। तो देखिए अब हम देख रहे हैं इसको कि ये पक चुके हैं या नहीं, तो अभी हम देखेंगे। अब हम छुरी से इसमें छुरी को अंदर तक डाल के देखेंगे, अगर ये छुरी साफ निकल गई, यानी कि साफ निकल रही है दोस्तों, तो ये इसका मतलब है कि ये अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे, और इसके बाद हम इनको निकालेंगे और फिर काटना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे पीसेज में इनको काटेंगे।
और देखिए अब इसके बाद हम इनको कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हम तेल डाल रहे हैं दोस्तों, तेल हमने डाल दिया है, सरसों का तेल हम डाल रहे हैं, इसमें हम इनको तलेंगे। आप चाहें तो देसी घी में भी इनको तल सकते हैं, उसमें और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और मसाले तो हमने इनमें पहले ही सब कुछ डाल रखा है, आप चाहें तो इसमें अभी भी जैसे धनिया, सूखा धनिया या ज़ीरा आप इसमें अभी भी डाल सकते थे तेल के बाद, लेकिन हमने नहीं डाला है। अब हम इनको पलटते जाएंगे धीरे धीरे, तो देखेंगे कि ये धीरे धीरे कैसे पकते जा रहे हैं और ये थोड़े क्रंची भी हो जाएंगे। तो अभी हमने इनको इतना पका लिया है दोस्तों, अब हम इनको निकाल रहे हैं। अब देखिए ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और जितने ही ये देखने में अच्छे लग रहे हैं उससे ज़्यादा तो ये खाने में स्वादिष्ट हैं दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, और इनके जो है बहुत ज़्यादा लाभ भी मैंने आपको बता दिए हैं। और अब आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही स्वादिष्ट बने होंगे, और इनको आप जो है दही के साथ भी खा सकते हैं, या कोई चटनी या सॉस आपके पास है तो उसके साथ भी खाए जा सकते हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।